साथियों, मेरा बात थोड़ा करने में थोड़ा ये हिंदी ठीक से नहीं बोल पाती हूँ कि छत्तीसगढ़ी का हिंदी थोड़ा अलग से बोलता है। समझ नहीं पाओगे तो फिर दोबारा भी पूछ सकते हो कि अपने बस्तर में हो रहा है किस तरफ से सरकार कानून चला रहे हैं। तो मैं पूरा के पूरा बात बोलूँगी। 21 दिसंबर को अपने गांव में पुलिस फोर्स घुसे थे तो 10 बजे फिक्स हो गया था टाइम लगभग। तभी अपने गांव वाले लोग तो 10 बजे टाइम में कहें दान उठाने गए थे, दान मिंडे करने गए थे गांव वाले लोग। बच्चे लोग भी गए, सराने वाले लोग इधर उधर हो गए थे। तो तीन गांव के बीच में फायरिंग आवाज सुनाई दिया। महिला लोग उस घटने में आ गए कि किसके ऊपर गोली चला रहे हैं करके। महिला लोग जगह में घटना घटा है उस जगह में पहुंच गए। तभी पुलिस लोग महिला लोग के साथ पूछताछ भी नहीं करें, डायरेक्ट मारपीट करने लगे कि महिला लोग बोले कि किसको किसके ऊपर गोली चलाई, वो लांच तो कम से कम दिखाओ ना, किसको लांच किसको गोली चलाई। इतना तीन गांव के बीच में इतना मैदान जगह में किसके ऊपर गोली चलाई, तो अपन को कम से कम लांच भी तो दिखाओ, मार डाले हो, ठीक है वो कौन है, वो लांच को तो अपन देखेंगे करके बोलने से भी महिला लोगों का बात ही नहीं माने। महिला लोगों को बहुत मारपीट किए हैं, बड़ा बड़ा डंडा टूटने तक मारपीट किए हैं। महिला लोगों के साथ छोटे छोटे 4-5 साल के बच्चे लोग को भी पा के आए थे। वो महिला लोगों को लगने का डंडा बच्चे लोगों को भी लग गया, बच्चे लोगों के साथ भी बहुत चोट लगाया था। तो लांच बिल्कुल ही दिखाए नहीं, वो लांच को लेके आए, वो किसका लांच है कौन है पता है अब तक नहीं चला है। लेकिन महिला लोग देखने से पहचान करते थे, लांच दिखाए नहीं। तो उस जगह में हुआ है कि वो पुलिस फोर्स उसका जूता निकल कर कपड़ा निकल कर उसी जगह में जला दिए और दूसरा वर्दी पहनाए। महिला लोग दूर रह के देखे हैं, वो पहले गोली चलाते समय भी थोड़ा वो जिंदा था, उसको हाथ पैर को पकड़ के एक पेड़ में पटक दिए तभी वो मर गया। महिला लोग देख रहे हैं कि किसके ऊपर गोली चलाई, वो थोड़ा जिंदा था, कम से कम उसको ऐसे भी तो पूछताछ करना था, क्यों कोर्ट बनाए, वो ऐसे मिलाए कौन है, निर्देश क्या कोई ऐसे आदमी मिला है कि कौन है, ऐसे भी पकड़ के जेल भी ले जा सकते थे, उसको जिंदा क्यों ऐसे पेड़ पे पटक रहे हैं करके महिला लोग दूर रह के देखे हैं। लेकिन महिला लोगों को जाने नहीं दिए। महिला लोग वहाँ एकदम डरे भी नहीं, महिला लोग वहाँ घुस गए हैं। लेकिन जो महिला सामने आई है उसके साथ बहुत मारपीट हुआ है, तो उसका कपड़ा भी पूरा निकाल दिए, शरीर को पकड़ना है ये कपड़ा पहनना है ऐसे हो गया महिला लोग। तब भी बाकी लोग महिला लोग डर के मरे, थोड़ा पीछे साइड में खड़े होके ऐसे थे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने गांव में 11 महिला लोगों के साथ गंभीर से मारपीट हुआ है। तो उसी समय में ये तोड़का गांव में नहा रहे थे बाकी लोग, नहाते समय उस जगह में भी महिला लोगों के साथ नहाने वाले लोगों को कपड़ा उतारे, पूरा कपड़ा नंगा नंगा उन लोगों को घुमाए, मारपीट भी हुआ है महिला लोगों के साथ। ये सरकार किस तरफ से कानून चला रहे हैं, इसका सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत को पकड़ के ऐसे काम कर रहे हैं। लेकिन अपन को अपने बस्तर में 4 महिला लोगों को महिला लोग है, लेकिन उन लोगों को ज़्यादा हिंदी नहीं आता है, सिर्फ गोंडी भाषी बोलने वाले लोग हैं कि उन लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। यह सरकार बस्तर में जाके ऐसे काम कर रहे हैं लेकिन एक किस तरीके से ऐसे कानून चला रहे हैं। तो इस घटना को लेकर अपन उसी दूसरे दिन आ गए बीजापुर कलेक्टर ऑफिस में आए थे।
कलेक्टर साहब नहीं मिला है तो महिला लोग बोले हैं कि अपन को एसपी साहब से मिल के ही जाएंगे, क्यों एसपी साहब भी तो उधर भेज रहे हैं, इसलिए इन लोग ऐसे जाके ऐसे काम करके आ रहे हैं। अपन इतना अपना उनको चोट लगा है, कैसे भी होने दो, आज एसपी साहब को मिल के ही जाएंगे वो, अब जब तक नहीं मिलेगा तब तक यहीं रहेंगे करके महिला लोग बोले कि तो अपन थोड़ी देर रुके थे, अभी बच्चे छोटे छोटे बच्चे लोग भी है, अभी नहीं हो पाएगा, दूसरा दिन में फिर आके मिलेंगे, ज्ञापन दे के फिर चले गए अपन। तो दूसरा दिन में फिर आए, चारपाल पहुंच गए थे, उस दिन महिला लोगों की मदद करने वाले लोग कोई नहीं गए, कोई पत्रकार लोग भी नहीं थे। अपन मदद करने वाले लोगों को फोन करके पूछे लेकिन वो मदद करने वाले लोग नहीं आ पाए, तो फिर महिला लोग वापस चल गया। अपन जो भी खबर मिलेगा कि बीजापुर जाने से ही खबर मिलेगा एसपी साहब भी था कि नहीं था पता नहीं चला है, हम जाके पता करेंगे करके बीजापुर आए थे। तभी दूसरा एक जन बोला कि आप लोगों को एसपी साहब बुला रहा है करके, तब अपन एसपी साहब में साहब के पास गए ऑफिस में, तो एसपी साहब अपन को पूछताछ कराए, तो मैं बोली हूँ कि साहब आपके साथ मुलाकात होने का था, उस दिन आए थे महिला लोग, सारे महिला लोग वापस चले गए, आप नहीं थे इसलिए वापस गए, तो फिर आज आ रहे थे, आज भी पता नहीं चला है कि अपन को है कि नहीं है करके, महिला लोग सारे महिला लोग वापस चले गए, अपन दो जन बीजापुर पहुंच गए। वो बोला है कि क्यों आए थे, क्या काम के लिए, क्या हुआ है करके बोलने के बाद मैं बोली हूँ कि पूरा वही घटने के बारे में बोली हूँ, जिस दिन में इस घटना घटा है साहब उसलिए अपन आए हैं, इस बात को बोलने का था, आप नहीं मिल पाए तभी अपन आए, कि उन लोग क्यों नहीं आए हैं, तू क्यों आती है साहब, उन लोग तो ज़्यादा हिंदी बोल नहीं पाते हैं, सभी लोग गोंडी भाषा बोलने वाले लोग ही है, तो साहब बोला है कि तू नहीं, तू तो ऐसे नहीं आती, कोई गांव से सिखा के भेजने वाले लोग ही है उसलिए आ रही है, दोबारा क्यों आती है, कोई ऐसे तो कोई सिखा के भेजता है, तेरे को इतना छोटी है हिम्मत कहाँ से बढ़ रहा है, इतना हिम्मत कहाँ से कौन कोई तो बोल के भेज रहा है उसलिए तो इतना हिम्मत से बात कर रही है, साहिब लोगों के साथ ऐसी बात कर रहे है, तेरे को कोई सिखा के भेजने वाला ही है, बार बार आएगी तो अपायर करके अंदर करेंगे करके मेरे को बोला साहिब, मैं तो अपने गांव में यूनिक हिंसा हो रहा है, अपने आसपास गांव में भी फर्जी मुठभेड़ में मार गिरा रहे हैं पुलिस फोर्स, अपन तो अपने सामने दिख रहा है, अपन अपने आसपास गांव में कहीं शादी घूमते हैं मेला घूमते हैं, अपन तो सभी आसपास गांव में भी जनता के साथ मिलजुल के रहते हैं, अब मेरे को कौन सिखाएगा, मेरे को मैं तो खुद देख रही हूँ, मेरे सामने भी दिख रहा है, तेरे को भी कभी पुलिस लोग परेशान करें क्या बोल के बताया, तो मैं बोलूँगी सर पिछले बार भी मेरे को गांव में पुलिस लोग पकड़े थे, मैं दान कूद रहे थे, मेरे को अंदर से बाहर निकल के बोले हैं कि सुनीता तेरा नाम क्या है, बोले तो मैं सुनीता सर इसी घर के है क्या दूसरा घर के है, मैं इसी घर के हूँ दान कूट रही हूँ, बोलने के बाद यहाँ के गांव वाले लोग कहाँ गए, सर आप कभी भी आपका पोर्स आएगा तो यहाँ फर्जी मुठभेड़ में मार गिराते हैं, महिला लोगों के साथ भी अत्याचार होते हैं, यूनिक हिंसा करते हैं, तभी उन लोग सारे लोग बस गए हैं, मैं कल मार्केट गई थी तो रात हुआ अभी पहुंच गए करके मैं बोली तो नहीं तू यहाँ की नहीं है, अपन कभी आते हैं यहाँ नहीं रहती है, ऐसी बात हिंदी बात करने वाले लोग बस्तर में नहीं है, पूरे गोंडी बासी वाले लोग, तू यहाँ की नहीं है, तेरे को इतना बात करती है तू क्या अधिकार है क्या करके मेरे को ही बोल रहा है, ऐसे भी मेरे साथ बात करें, उस समय भी मेरे को बहुत परेशान करें सही, मैं इसलिए तो आ रही हूँ
अपने सामने दिख रहा है जो पुलिस कानून चला रहा है, उसलिए तो आ रही हूँ मैं तो। आईसीपाल तो तोड़े आते हैं, कभी नहीं आते हूँ, आज क्यों आई हूँ फिर बोली हूँ मैं शायद। तभी उस दिन क्या घटना घटा है बोलने के बाद मैं बोली हूँ कि साहब उस दिन गांव में तीनों गांव के बीच में गोली चलाए, तो सारे महिला लोग आ गए कि यहाँ कोई लोकल आदमी लोगों को कभी कभी गोली चला के परजी मूठ बेड़ में मार डालते हैं। दान उठाने वाले लोग थे, दान मिंडाई करने वाले लोग भी थे, बच्चे लोग भी गए सराने इधर उधर हो गए थे। तभी महिला लोग आ गए कि उस घटना में कौन था, किसी को ऐसी मार डालते हैं, अपन जाके देखेंगे करके उस जगह में आए थे। तभी महिला लोगों के साथ मारपीट हुआ करके मैं वो बोला है। तब वो बोला है कि फिर उस घटना में महिला लोग आने का था नहीं, महिला लोग नहीं आने का था, तभी उन लोग मारपीट किए, तो उस घटना में क्यों आए महिला लोग, वो साहिब बोला। फिर मैं बोली हूँ कि ठीक है सर, मैं मानूंगी उस बात को, घटना में आने का आने के बाद मारे हैं, लेकिन उसको उस बात को मैं मानूंगी, लेकिन थोड़ का गांव में पानी नहाते समय उन लोगों को क्यों कपड़ा उतार के मारपीट करने का है, शरीर को पकड़ना है, ये क्यों करे उस जगह में पे? उन लोग तो घटना घटा है उस जगह में नहीं आए, पानी नहाने वाले लोगों के साथ क्यों हुआ है करके मैं बोले, तो वो साहब बाद में चुपचाप हुआ है। फिर मेरे को बोला है कि तू तेरा मैं फोटो दिखाऊंगी करके बोला। ठीक है सर, दिखाना कहाँ का फोटो? तू नक्सली लोगों के साथ थी, नक्सली लोगों के साथ बात करती है, तेरा फोटो मैं दिखाऊंगा करके बोला। ठीक है दिखाना, मैं देखूंगी, मैं तो कभी नक्सली लोगों के साथ नहीं थी, अपने गाँव में नक्सली लोग नहीं आते हैं, तो अपना महिला लोगों का समस्या को लेकर मैं आ रही हूँ, लेकिन मैं कभी उन लोगों के साथ मिलूं नहीं, देखूं नहीं, अपने गांव में नहीं आते हैं। मैं भाई से बोलने के बाद फोटो अभी दिखाया नहीं, ऐसे फालतू बोला है। ये मेरे को लग रहा है कि कभी ना कभी ये फर्जी केस में फंसा देंगे। वो बोला है तू बार बार आएगी तो FIR करके अंदर कर देंगे क्यों फिर बोला है मेरा पार्टी कभी भी बस्तर में घुसेगा तो अगर किसी को कुछ नहीं होना, कहीं बम फोड़ना नहीं, किसी को गोली चलाने का नहीं करना, कभी ऐसी होगा तो तेरे को तू पीर दिखेगी, तेरे को FIR करके अंदर कर देंगे बोला। तो मैं बोली सर आप लोग और कहीं नक्सली लोगों के साथ मुठभेड़ होगा तो मैं कैसे करूँ, मेरे को उन लोग बोल के करेंगे क्या, मैं देखती हूँ नहीं, मैं तो अपने घर में गांव में रहती हूँ, उन लोगों के साथ आप दोनों के बीच में होगा तो मैं कैसे करूँ, क्या करूँगी मैं बोले मैं तो अपने महिला लोगों का समस्या को लेकर आ रही हूँ, महिला लोगों के साथ हो रहा है, कहीं तो अपने गांव में नक्सली लोगों के साथ नहीं हुआ है, महिला लोगों के साथ यूनिक हिंसा हो रहा है, मारपीट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, छोटे बच्चे लोगों के साथ भी मारपीट हो रहा है, पिछले बार भी हुआ है इसी करके मैं बोली हूँ। पहले वो मैं बोल रही हूँ कि वो पहले राशन भी लेते थे है, बस्तर वाले लोग राशन भी लेते थे, लेकिन तब भी हुआ है कि ऐसे परजी मुठभेड़ में मार डालने का देख के तब राशन भी बंद करवाए। तो राशन लेने के लिए जाते हैं ना, वहाँ भी पुलिस फोर्स ही बोल दिया है कि क्या यहाँ मरने जैसे आते हो, अभी सामान नहीं मिल रहा है, यहाँ कौन का सामान अभी ले रहे हो करके बता दिए पुलिस लोग खुद से। महिला लोग सुने हैं गाँव में जाके फिर बंद करे। पिछले बार में हुआ है कि वो पेटिशनर डाले हैं सही परजी मुठभेड़ का है, तो कड़ेनार में हुआ है ताती पांडे आपका मनोज वो दोनों जन शादी हो गए थे, तो उन लोग शाम को 6 बजे खाना खाते समय पुलिस लोग उसका घर को चारों तरफ घेर के उसको उठा के ले जाके जंगल में मार गिरे, तो उसका लांच भी नहीं मिला था। घर वाले लोग पता करने के लिए गए थे गंगलूर थाना में, वहाँ भी नहीं था उसका। उस जगह में धीरे धीरे पता करने के बाद उसका कपड़ा ऊपर टांग दिए थे पेड़ में, वो पूरा लांच नांगी थी, तो उसका लांच बीजापुर में ले गए, बाद में दूसरा दिन लेके आ गए। तो फिर आंड्री गांव में हुआ है
कुड़िया में गंगा था, कुड़िया में गंगा का शादी होने का था। उन लोग चियाड़ी पत्ता तोड़ने जाते हैं, चियाड़ी पत्ता पत्ता मतलब वो पत्री बना के खाना दे देते ना, वो पत्ता तोड़ने के लिए गए थे। उन लोगों को जंगल में गोली चला दिए, उसके साथ तीन लोग थे, दो लोग बग गए, एक जन को गोली लग गया, तो वो धीरे धीरे बगते बगते नाले में गिर गया, तो पुलिस लोगों को पता नहीं चला। फिर दूसरा दिन में उसका लांच मिला के जला दिए गांव वाले लोग। दूसरा दिन में फिर तीन दिन तक पुलिस लोग वहीं थे, आंड्री गांव में ही थे। दूसरा दिन में फिर वो छोड़ी सानू 8 साल का बच्चा था, वो टमाटर में टमाटर खेत में था, उसको उठा के गोली चला दिए। उसका लांच अब तक भी लापता करें पता नहीं है, पूरा ढूंढ ढूंढ के उन लोग घर परिवार वाले लोग परेशान हो गए, अभी तक भी नहीं मिला है। पूरा थाना में गए थे, बीजापुर चेरपाल गंगलूर थाना में पूरा ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, अभी भी नहीं मिल रहा है। फिर ये पालनार में हुआ है, पालनार में यमला सीतू वो जोतते समय वो जोत रहे था, उसको उठा के ले जाके पेड़ पे ऊपर टांग के गोली चला दी, तो उसको महिला लोग पीछे पीछे आने से भी महिला लोगों को धमकी दे दिए कि पुलिस लोग अपने पीछे आओगे तो गोली चलाएंगे, तभी डर के मारे महिला लोग वापस चले गए। फिर उसके बाद हुआ है ये पैदा कोरमा में वो कोड़ में मांगू था, वो दान को बंदर खाने का देख के बंदर भगा निकली गए थे, उसके साथ भी बहुत सारे लोग पुरुष लोग थे। वो ऊपर बंदर ऊपर चढ़ा तो ये भी ऊपर चढ़ा था, नीचे वाले लोग सभी लोग पुरुष को देख के भग गए, वो ऊपर ही था, उसको उतर के दूसरा जगह में ले जाके गोली चलाए। उसको भी क्या पुलिस लोग बोले हैं कि झूठा प्रसार करे हैं, एक वर्दी नक्सली के साथ मुठभेड़ हो गए, ऐसे झूठा प्रसार कर रहे हैं, ये किस तरफ से कानून चला रहे हैं सर का। इसी मुर्दे को लेकर अपन बिलासपुर हाईकोर्ट में केस लगा दिए, हर समय बस्तर में ऐसे करते रहेंगे तो बस्तर का जनता कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे। बस्तर में गांव में जाके पुलिस लोग रहते हैं, गांव वाले लोगों को जंगल भगा देते हैं, जंगल में 3-4 दिन तक भी भूखे मरे जनता है ऐसे रहने हो रहा है कि उन लोग एक दिन भी नहीं रहते हैं फोर्स जाके, 3-4 दिन तक भी गांव में घुस के रहते हैं। उन लोग ऐसे करने का देख के डर के मरे, कोई भी भगत है, हम भी भग रहे थे, अपन भी भगते हैं कि हम पिछले बार भी गए थे, पुलिस फोर्स ने आंधा धुंधा गोली चला के आए, अपन चारे लोग जंगल में ही थे एक दिन तक, ऐसी ठंड के वजह कि पत्ता ओढ़ के सोए हैं, खाना पीना मिल रहा है नहीं, पानी नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है, गांव में घुसेंगे तो पुलिस लोग पकड़ के मार डाल रहे हैं, ऐसे होने का कारण सभी लोग डर के मारे भगते हैं। फिर पुलिस लोग जाके महिला लोगों को पूछते हैं कि गांव वाले लोग कहाँ गए, कहाँ भगे हैं, क्यों भगते हैं, तो महिला लोग बोल देते हैं कि आप आने से कोई भी मिलेगा तो ऐसे करने का दे के उन लोग डर के मारे भग रहे हैं घर, तभी पुलिस लोग सुख सक होते हैं। बीजापुर बस्तर के आए हुए वाले हूँ, मैं मुन्नी पोटम हूँ, मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, हिंदी ज़्यादा नहीं बोल पाती हूँ। बस्तर में पुलिस पुरुष गांव गांव में घुस के महिलाओं के ऊपर मारपीट करते हैं, महिलाओं के ऊपर बलात्कार भी हुआ है। पिछले साल अपने गांव के एक महिला लकड़ी के लिए गए थे, वहाँ एक महिला को पकड़ के मारपीट कर रहे हैं, बलात्कार भी हुआ, जिस महिला को एक बच्चे भी है। आदिवासी जनता को बहुत गांव में जाके पुलिस फोर्स मारपीट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा आदिवासी जनता को मार डालता है, जहर डालता है, सरकार का सही नहीं, ज्यादा जनता को मारपीट करते हैं, आदिवासी जनता दुख में
कष्टम करके जीने वाले लोग तेलंगाना जाके मिर्ची तोड़ के पैसा कमा के लाते, पैसा भी चोरी करके पुलिस फोर्स लाते हैं। कोई माँ बाप को, कोई भाई बहन को भी नहीं जानते। पूरे लोग, कोई पुरुष लोग दिखने से भी पकड़ के मारपीट करते हैं, पकड़ के जेल डालते हैं। ऐसे बस्तर में करते जा रहे हैं पुलिस फोर्स।